नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। हिमाचल के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हीं में शामिल थी डॉक्टर दीपा शर्मा। डॉक्टर दीपा शर्मा का आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महज 34 साल की दीपा लगातार अपनी हिमाचल यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। मौत से महज कुछ मिनट पहले भी उन्होंने एक फोटो शेयर कर ट्वीट किया था, जिसके बाद कई सितारों ने उनके आखिरी ट्वीट पर दुख जताया। दीपा शर्मा को सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग पसंद करते थे, वो काफ़ी फेमस थी। दीपा शर्मा को प्रकृति से बेहद लगाव था और अक्सर वो सोलो ट्रिप पर जाया करती थी। डॉक्टर दीपा शर्मा मूल रूप से जयपुर के मानसरोवर में हीरापथ की रहने वाली थी। 34 साल की दीपा आयुर्वेद डॉक्टर थी, पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रही थी। लोगों को आयुर्वेद परामर्श और आहार परामर्श देती थी। डॉक्टर दीपा सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलो की जा रही थी। ट्विटर पर उनके 20,500 फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दीपा प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आ चुकी थी और इस दौरान उन्होंने 6.5 लाख रुपए जीते भी थे। इतना ही नहीं, नागरिकता कानून को लेकर शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन के दौरान भी वो काफ़ी एक्टिव रही थी। उस वक्त उन पर हमला भी हुआ था। दीपा का इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो सोशल वर्कर भी थी और NGO की सहायता से लोगों की मदद भी करती थी। वो जयपुर के श्याम नगर में अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी छोटी बहन बेंगलुरु में रहती थी और उनका एक भाई भी था जो महाराष्ट्र में काम करता है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने 2014 में दीपा शर्मा को आयुर्वेद युवा रत्न से सम्मानित किया था। इसके अलावा दीपा के क्लिनिक को भारत के मोस्ट इनोवेटिव आयुर्वेद क्लिनिक 2018 का पुरस्कार भी मिल चुका था। वो 4 दिन बाद 29 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाने वाली थी, मगर इससे पहले ही पहाड़ी से नीचे गिरते बड़े बड़े चट्टानों के धुएं में सारी खुशियां धुंधली पड़ गई और चौतरफा गम का साया छा गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।